केवल सिंह का आधार कार्ड नहीं है तो कम से कम मेरे पीछे कोई एजेंसी लगानी चाहिए। अगर केवल सिंह का 10 साल से राशन निकल रहा है तो मुझे मेरा राशन जिस लोगों ने वहाँ से उठाया है कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। और यहाँ से कह देना चाहता हूँ, नफ्सा जिसको कहते हैं, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसको कोई काट नहीं सकता है। जब एक आदमी आता है जिसका हेड राशन कार्ड का हेड होता है, वो जब गूठा लगाता है तो उसका मशीन गूठा नहीं लेती है, फिर उसकी बीबी आती है वो लगाती है, वो भी लेती है, फिर उसका कभी बेटा आता है या बेटी आती है वो शायद वो मशीन ले लेती है। 3 दिन वो चलते रहते हैं, 3 दिन के बाद उनको राशन मिलता है। डीलर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ रियासी का। मकसद ये था कि यहाँ पे डीलर जो हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर और सूबा जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर भी हमें बात होती रहती, कश्मीर के अंदर भी हमारा जो राशन था, राशन जैसे देखा कि 5-6 महीने से हमारा कभी 5 क्विंटल कट जाता था, कभी 10 क्विंटल, कभी 15, कभी 20। आज इस महीने में ये नौबत आ गई कि हमारा सीधा 50-60% हमारा राशन कट गया। मैं आपको बताता हूँ राशन कटने का कारण, अंगूठा लगाने के लिए जब लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ कि पहले भी मैंने बोला कि हमारे ये अंगूठे काम करके घिस जाते हैं, क्योंकि तकरीबन ये जो आपका रियासी का एरिया, दूर दराज एरिया, पहाड़ी एरिया, लोग काम करते हैं। जब एक आदमी आता है जिसका हेड राशन कार्ड का हेड होता है, वो जब गूठा लगाता है तो उसका मशीन गूठा नहीं लेती है, फिर उसकी बीबी आती है वो लगाती है, वो भी नहीं लेती है, फिर उसका कभी बेटा आता है या बेटी आती है वो शायद वो मशीन ले लेती है। 3 दिन वो चलते रहते हैं, 3 दिन के बाद उनको राशन मिलता है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोगों के गूठे वहाँ पर मशीन लेती नहीं है। मैं कहता हूँ 40-50% लोगों के गूठे वहाँ पर नहीं लिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि पीछे से वो राशन कार्ड देते हैं। आधार कार्ड जो हमारा, अगर मेरी फैमिली के 5 आदमी हैं, मेरा आधार कार्ड नहीं लगा है, मेरे 4 आधार कार्ड लगे हैं, वो क्या करते हैं पीछे से पूरी फैमिली का राशन कार्ड ही काट देते हैं। महीने में हमारे डीसी साहब का प्रोग्राम था हमारे ठाकराकोट एरिया में, हमने वहाँ पे कहा था कि वहाँ पे अगर आधार कार्ड हमारे दूर दराज एरिया में अभी बने ही नहीं है, मैं कहता हूँ अभी 20-30% लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने। कुछ लोग ऐसे हैं वो गरीब हैं, आधार कार्ड बनने में 500-700 रुपया खर्चा होता है, वो नहीं अपना आधार कार्ड बना सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर केवल सिंह का आधार कार्ड नहीं है तो कम से कम मेरे पीछे कोई एजेंसी लगानी चाहिए। अगर केवल सिंह का 10 साल से राशन निकल रहा है तो मुझे मेरा राशन जिस लोगों ने वहाँ से उठाया है कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर केवल सिंह जीवित है, जिंदा है, इस इलाके में रहता है, हिंदुस्तानी है वो, तो केवल सिंह के पास आके उसका राशन तो देना चाहिए। डीलर लोगों ने बड़ी इज्जत से काम किया, मेरे हमारे पास कुछ डीलर ऐसे भी हैं जो 40-40 साल से डीलरी कर रहे हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूँ जहाँ पे कि डीलर जो है जम्मू कश्मीर का, उसी के सिर पे आज हमारा जो डिपार्टमेंट है फूड सप्लाई, उसका सिर ऊंचा है। अगर डीलर नहीं होगा तो इस दूर दराज पहाड़ों में कोई राशन नहीं पहुंचाएगा। मेरे कोई साथी जहां डंडा बागन से आए, ममनकोट से, और पीछे से आए चसाना एरिया से, कुछ प्राणकोट नाटकोट से जहां पे लोग आए, ये खचरों पे 4-4 जगह शिफ्ट करके, अभी तो गाड़ियां हमारी अभी चलने लगी, खचरों पे शिफ्ट करके वहां पे राशन पहुंचा के लोगों को इन्होंने राशन दिया। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे आज जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे एजेंसियां हैं जो लोगों को मार रही हैं। आपने देखा कश्मीर में क्या हुआ लास्ट टाइम में, अभी पिछले हफ्ते में, और मैं ये हम देखना चाहते हैं वो कौन सी एजेंसियां हैं जो हमारे गरीब लोगों को भूखा मारना चाहती हैं। आज आप देखो अगर लोगों का राशन कट गया तो वो गरीब क्या खाएगा? आज गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पूछो क्यों? आज अगर कोई मक्की लगाता है, गंदम लगाता है, बीड लगाता है, इतने बंदर हो गए कि पूरी मक्की, पूरे बीड उनकी खा जाते हैं, सब्जी तक खा जाते हैं उनकी। बिल्कुल जी, आपको बताऊंगा, मेरे घर में अभी भी मैंने जो मुंजी लगाई थी ना, 15 गुनी देसी साफ सी हुई है, मुझे नहीं जरूरत है। मगर हम गरीब लोगों के हित की बात कर रहे हैं, मजदूर के हित की बात कर रहे हैं। आज वो लोग क्या खाएंगे? मुझे लगता है वो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। हमारे जैसे कोई एक डीलर है ना, कुछ मेन जो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, हम उनका राशन काट के, गरीबों का नहीं, हम जग में भी देते थे। हम किसी के, कोई आदमी मर जाता है बेचारा गरीब, उसके वहाँ मातम में भी देते हैं। हम किसी की बच्ची की शादी होती है, आप आपने बेहतर मुझे पूछा, आप देखते रहते हो ना आप, हम जग में भी देते हैं, हम बच्चियों की शादी में देते हैं, हम किसी के दुख में भी देते हैं, हम सुख में भी राशन देते हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि आज अगर कोई गरीब बच्ची का माँ हमारे पास आ जाती है, उसका बाप नहीं है, उसका भाई नहीं है, तो हम कहाँ से राशन देंगे? अब ये हमें यही दिक्कत आ रही है, हम कहाँ से राशन देंगे? ये राशन पीछे से वो कोई एजेंसियाँ ऐसी हैं जो राशन काट रही हैं। अब तो वो डीलरों को सीधा कह देंगे कि डीलर हमारा राशन खा गए। अब हम लोगों को बताएंगे, हम लिस्ट बताएंगे, ये लिस्ट आपकी है। अगर प्रेम सिंह जी की लिस्ट में 7 आदमी हैं घर के, 2 आदमी का राशन आएगा, तो प्रेम सिंह जी को हम बताएंगे, प्रेम सिंह जी 5 आदमी का आपका राशन कट गया। हम बिल्कुल उन लोगों को भी साथ बुलाएंगे, हमने कह दिया है एक डीलर 20-20 लोगों को लाएगा, और ला के हम बैठ के फिर हम बात करेंगे, जम्मू में बात करेंगे,
जम्मू गवर्नर हाउस में बैठेंगे, बिल्कुल डायरेक्टर साहब के और कमिश्नर के सेक्रेटरी के, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं फूड सप्लाई के, वहाँ बैठेंगे, धरने देंगे, जुलूस निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम पहले भी करते आए, ये कौन सी हमारे लिए नवी बात है, लोगों के लिए, गरीब के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा बिल्कुल हम करेंगे। मैं डीलर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से, असल में आज हम उन गरीब आवाम की आवाज़ को लेकर यहाँ पर आए हैं जिनका राशन कट गया है। इस वक्त लोग फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं और मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आ रही है। नंबर एक मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों के वोटर लिस्टों में नाम हैं, उनके गैस कनेक्शन हैं, उनके राशन कार्ड डिपार्टमेंट ने बना के उन लोगों को इशू डिपार्टमेंट ने किए हैं। अच्छा। लेकिन आज उनका राशन कटा जा रहा है, कहीं पे आधार सीडिंग की प्रॉब्लम है, कहीं पे बायोमेट्रिक मशीन पे वहाँ पे मैच नहीं होता है उनका फिंगरप्रिंट, इसलिए उनका बार बार राशन कट जा रहा है। इस वक्त डीलर इस स्टेज पर खड़ा है कि वो लोगों के सामने अपने फेयर प्राइस शॉप को ओपन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग आ जाते हैं, जबकि लो राशन जो प्रोवाइड उसको हुआ है, इस महीने का कोटा जो इशू हुआ है, वो नाम मात्र के बराबर है। नाब डीसी साहब से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए हर पंचायत में, हर फेयर प्राइस शॉप का जो सेंटर है वहाँ पर जाकर आधार सीडिंग हो, और जो जो है क्या नाम फिंगरप्रिंट जो है वो उसका जो अपडेट हो, और जो लेफ्ट आउट हैं फैमिलीज उनका आधार कार्ड बने। अगर महकमा इस चीज़ को नहीं करता है तब तक लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। हालांकि मैं एक चीज़ और यहां से कह देना चाहता हूं, नफ्सा जिसको कहते हैं, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसको कोई काट नहीं सकता है, और जो काट रहा है वो आवाम के साथ और हिंदुस्तान के आइन की खिलाफवर्जी है। नफ्सा जो एक्ट है ये कोई स्कीम नहीं है, इसको कोई भी गवर्नमेंट का बंदा काट नहीं सकता है। वो इस देश का शहरी होना चाहिए, उसका राशन कार्ड होना चाहिए, वोटर लिस्ट में होना चाहिए, यहाँ का रहने वाला होना चाहिए। बेशक अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो उसके लिए फेलियर गवर्नमेंट की है। जो ऊपर का एरिया है, दूर दराज जो इलाका है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, कहीं जगह में बिजली नहीं है, बिजली नहीं होने की वजह से हमारी मशीन चार्ज नहीं हो सकती है, और बहुत उसमें हमारा टाइम जो उसी तरीके से वेस्ट हो जाता है। और जिस वक्त आप उसको मशीन को ऑन करते हैं उसमें किसी वक्त पीछे से ही जो है साइड की साइड बंद हो जाती है। अच्छा। पूरा पूरा दिन निकल जाता है, कभी कभी दो दो दिन निकल जाते हैं, इसलिए हमारे लोग जो उससे रह जाते हैं। अच्छा। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सिस्टम को जब तक सरकार महकमा इसको ठीक नहीं करता है तब तक ऑफलाइन मोड पे दिया जाए। अच्छा। जिन लोगों के आधार कार्ड सीडिंग हो चुके हैं उन लोगों को कम से कम राशन तो मिलना चाहिए। अगर राशन ना मिले तो ये लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी है, और इस मसले को लेकर हम बैठेंगे नहीं। अच्छा। हम क्या करेंगे, हमारे आवाम ही रोडों पे उतरने वाले हैं, क्योंकि उनको राशन की ज़रूरत है और राशन के बिना कोई भी काम नहीं चल सकता। कोविड 19 की वजह से जब फैल रहा था, डीलरों ने घर घर जाकर लोगों को राशन दिया, और हमारे कुछ डीलर उस बीमारी के शिकार हो गए, और जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अच्छा। मैं आपकी माध्यम से ड्यूटी के जो अपने सरकार हैं उनको अपील करता हूं कि उनके घर वालों को, उनके जो पीछे उनके जो फैमिली मेंबर हैं, कम से कम 5-5 लाख रुपए तक उनको कंपनसेशन जी गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। डीलर बहुत राज और कन्ने इस वे मौके का सरपंच भी हैं, और साढ़े कन्ने डिपार्टमेंट में से जुड़े दे काफ़ी अरसा से अस डीलर हाँ, और अज की जी सा काफ़ी मीटिंग हुई पहले, लेकिन अज की जी मीटिंग रखी, यह रखने का मकसद यह हा कि साड़ी जी आधार सीटिंग एक इतने जी रियासी के अंदर नहीं हुआ गई, तो रियासी के अंदर बड़ी दिक्कत है कि जी आधार सीटिंग घट हो आई है, जिद अगर आधार सीटिंग दो बंदे नहीं हैं राशन कार्ड चढ़े दे तो उनके जेड़े तीन होके उन्होंने पांच डिलीट करी ओड़े, उसके कन्ने साढ़े लोगों ही बड़ा परेशानी आवा दी है। उसके बाद जी साढ़ा इतने नैट की प्रॉब्लम है, नैट की प्रॉब्लम होने के साड़ी आधार सीटिंग जी आ दी है 58-60 के दरमियान चो आ दी है, जोड़ा 40% 42% जी बैलेंस रहा वह मशीन रहा वह अस लोगों की दिने, क्योंकि लोगों की आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। सरकार का आखना कि यही है कि जी लोग राजी रखने, लोग राजी रखने का मकसद यह हों कि अगर उनका सारा टब्बर का ठेका लैने आधार सीटिंग उनकी फिंगर वगैरह लवाने, अगर जल्द नहीं मैच होंगी तो अस उनेंगी राशन जोड़ा इं भी दिने, जिमीदार लोग उसकी वजह कने उनकी फिंगर जी नहीं मिली सकती, आ सारा टब्बर की आनी आनी पर जिन्ना भी आधार कार्ड वे अटैच हो लाने, कोई एक बच्चे की लगी आ तो वह हफ्ता लगी जाता अभी वो काम करते। ये गल सरकार अगर जानी चाहिए और एक्शन लाना चाहिए।